सभी का एम स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज हमारे बीच में विशेष मेहमान है प्रोफेसर मदनावत सर, जो हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के प्रोफेसर रहे हुए हैं। हाल ही में सर का सेवानिवृत्ति हुई है। सर की राजस्थान विश्वविद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। आज शिक्षा विभाग जो है आपका ऋणी है, तो मैं एम स्टडी यूट्यूब स्टूडियो में आपका सर का स्वागत करता हूँ। सर ने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमें मार्ग प्रशस्त करने के लिए स्टूडियो पधारे हैं, इसके लिए तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और सर का जो अनुभव है, तजुर्बा है एजुकेशन से संबंधित, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं आज किसी भी तरीके से सार्थक सिद्ध करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमारे बीच में आज मदनावत सर पहुँचे हैं। इसलिए एक बार सभी हम पूरी टीचर्स टीम की तरफ से, आईटी टीम की तरफ से मदनावत सर का स्वागत करते हैं। और अब जानते हैं मदनावत सर से कि किस प्रकार से टीचिंग लाइन में आपका अनुभव रहा है और विद्यार्थियों के लिए आपके लिए क्या विचार हैं। मदनावत सर, थैंक यू सीएल। एक्चुअली शिक्षा एक बहुत बड़ा, बहुत छोटा शब्द है, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है। मैं जब आपकी तरह विद्यार्थी था, विद्यार्थियों की तरह ही मैं भी अपना अध्ययन किया मैंने, और मेरे मदर फादर भी चाहते थे कि मैं भी कोई आईएएस आईपीएस इस तरह से कोई प्रतियोगी परीक्षा में निकलूं। लेकिन मेरा लगाव, क्योंकि मेरे घर में सभी का शिक्षा का माहौल था, मेरा लगाव शिक्षा जगत की तरफ ही था, और ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी, मैंने शिक्षा जगत में ही प्रवेश किया। शिक्षा एक ऐसा व्यवसाय, आजकल व्यवसाय शब्द हो गया उसके साथ जुड़ के, पहले व्यवसाय नहीं था, पहले कर्म था, कार्य था। एक ऐसा कार्य है, पुनीत कार्य है, जिसको करने से अपने को संतुष्टि मिलती है और सामने वाले को भी संतुष्टि मिलती है। सामने वाला लाभान्वित होता है तो संतोष हमें मिलता है। मुझे वाकया याद है अपने अपने समय का, जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पर भर्ती हुआ, मेरे फादर ने खुश होके मेरे नाम की एक नेम प्लेट बनवा के और मेरे पुश्तैनी घर पर लगा दी। मेरे जो टीचर थे उस सुबह रिटायर हो गए थे, उनको करीब 8-10 साल हो गए थे रिटायर हुए। सुबह वहाँ से मेरे घर के सामने से टहलने निकलते थे और इत्मीनान से वहाँ खड़े हो जाते थे, फिर एक एक शब्द पढ़ते थे, डॉक्टर, अवंत, वीर, सिंह, मदनावत, फिर उसके नीचे पढ़ते मनोविज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। ये उनका नियम था, पढ़ के पता नहीं क्यों क्यों पढ़ते थे, जिसका उस समय मुझे या मेरे मेरी उम्र के लोगों को आभास नहीं था। चले जाते, फिर वापस आते, फिर वही 5-7 मिनट में वो इतने वर्ड केवल 5-7 मिनट में लगाते थे उनको पढ़ने में। मेरे घर के सामने एक दुकान थी, दूध की, मिठाइयों की, इस तरह की डेली नीड्स टाइप की। तो उसने एक दिन पूछा, बोले कि गुरुजी एक बात पूछूं आपसे, बोले हाँ, कि आप अध्यापक रहे हो और वर्षों आपने पढ़ाया, 15 दिन से आप ये 4 लाइनें पढ़ रहे हो, आज तक याद नहीं हो पाई। तो गुरुजी ने बड़ा हंस के जवाब दिया, अरे मूर्ख, तू इसीलिए दूध में पानी मिलाता रहेगा, तेरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। इसको पढ़ने में जो आनंद मुझे मिलता है, वो शायद तुझे आधी किलो से 5 किलो दूध बना लेगा ना, उसमें भी नहीं मिलेगा। तो एक शिक्षक, शिक्षक ऐसा, आप समझिए देवता, देवताओं ने भी कहा ना, कबीरदास जी ने भी लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो उन्होंने भी वहां गुरु गुरु को गोविंद से ऊपर माना है, इसीलिए उस समय पुनीत व्यवसाय था, मैंने भी यही चुना, और मुझे बड़ी संतुष्टि है कि मैं इस व्यवसाय से कार्यमुक्त हुआ हूं। सेवा मुक्त नहीं हुआ, केवल कार्यमुक्त हुआ हूं। टीचर कभी रिटायर नहीं होता। लोग कहते हैं आप सब रिटायर हो गए, बट सॉरी टू से आई एम नॉट रिटायर, आई एम सुपर एनुएटेड। शब्द वही है, भाव वही है कहने वाले का, लेकिन उन शब्दों का शब्दार्थ बदल जाता है।
तो वही मैं अपने विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ, कभी निराश नहीं हो। हो सकता है आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक बार में उसको क्रैक नहीं कर पाए। आप आज मार्केट से नारियल लेके आइए, हरा नारियल, और उसको तोड़िए। क्या एक बार में आप तोड़ दोगे उसको? नहीं, आपको कई मरतबे लगेंगे, उस पर चोट पर चोट देंगे, चोट पर चोट देंगे, तब जाके कहीं वो क्रैक होता है। ऐसे ही किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें उस पर निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। आपको याद होगा पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कई बार हमला किया, तब मोहम्मद गौरी पर विजय प्राप्त की। तो लक्ष्य के लिए हमें एक जो अर्जुन भाई, अर्जुन की हम बात करते हैं, क्यों करते हैं? ये सब जो हमें उपदेश दिए जाते हैं या वाक्य बताए जाते हैं, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि लक्ष्य, एम। हमारा एम क्या है, उसकी तरफ हमारा ध्यान केंद्रित बना रहे, इसीलिए हमें वो सारे वाक्य बीच बीच में सुनाए जाते हैं। आज विद्यार्थी के पास, बेचारे के पास सब कुछ है, अच्छा, अच्छी पुस्तकें हैं, अच्छा ज्ञान अर्जन का केंद्र है, लेकिन वो भटक रहा है। वो भटक इसलिए रहा है कि ये नहीं कि उसके पास कोई असुविधाएं हैं, सुविधाएं तो उसके माँ बाप ने बहुत उपलब्ध करा रखी हैं, समाज ने उसको बहुत सारी उपलब्ध करा रखी हैं, लेकिन उसके भटकने का मेन कारण है जॉब। वो ये चाहता है कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। लेकिन मित्रों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप उद्देश्य जो भी लेके चल रहे हैं, एक रखें, मैक्सिमम दो रखें, इससे ज्यादा नहीं। फिर तो जो भगवान के निश्चित हुआ है, ईश्वर के यहाँ जो निश्चित हुआ है, आपको वो मार्ग तो मिलेगा ही, वो दिखाएगा अपने आप मार्ग। लेकिन आप ये नहीं कि साहब आईएएस की भी तैयारी कर लूं, इधर टीचर भी बन जाऊं, यूनिवर्सिटी में भी भर लूं, तहसीलदार भी बन जाऊं, नो, फिल्मों की तरफ बढ़ जाऊं। हमें अपनी क्षमता के अनुसार देखना चाहिए। मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं आपसे बार बार इस बात को जोर दे रहा हूं कि क्षमताएं, कि मेरे अंदर किस तरह की क्षमता है, मेरे अंदर किस तरह की एबिलिटी है, मैं किस तरफ जा सकता हूं, पहले हम उसको चेक करें। और इसीलिए सरकार ने हर एक विद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति के लिए बहुत बड़ा आपका टारगेट कह लें, टारगेट का लेके चली है, और उसने नियम भी बना दिया है कि हर विद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति की जाएगी, जिससे कि वो आने वाली पीढ़ी को, विद्यार्थियों को बता सके कि इसमें इस तरह का क्षमता है, इसकी योग्यता इस तरह से निखारी जा सकती है, और उसी हिसाब, उसी तरफ अगर वो बढ़ेगा ना, तो वो विद्यार्थी निश्चित है अपने क्षेत्र में सफल होगा। क्या सचिन तेंदुलकर के माँ बाप नहीं चाहते थे कि उनका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बने, बहुत बड़ा इंजीनियर बने, या आईएएस बने, आईपीएस बने? सभी माँ बाप की यही इच्छा होती है। लेकिन वो उनको सलाम करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने अपने बेटे की योग्यता पहचानी, रुचि पहचानी, और उन्होंने उसको खेल जगत में ही आगे बढ़ाया। आज उसको, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान की उपाधि दी गई है। अगर वो जबरदस्ती उसको मार पीट के नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खेलो मत, तो उसके एक हिंदी में बहुत अच्छा कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो उसकी स्थिति वही हो जाती है। इसलिए हर एक माँ बाप को पहले अपने बच्चे की योग्यता पहचाननी चाहिए, उसकी रुचि पहचाननी चाहिए, फिर उसकी तरफ उसको आगे कदम बढ़ाने के लिए कहना चाहिए और उसी तरह की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। यही
मैं कहना चाहूंगा आगे भी कि मनोविज्ञान विषय का एक बहुत बड़ा रोल है इन सब चीजों के लिए। सरकार से मैं इस माध्यम में यहाँ निवेदन भी करना चाहूंगा आपके आपके यूट्यूब के मार्फत कि सरकार को मनोविज्ञान विषय अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि आज जो समाज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो समायोजन की हो रही है, एडजस्टमेंट की हो रही है। तो मैं एक टीचर हूँ तो टीचर होने के नाते अपने विषय से अलग बड़ा मुश्किल से हो पाऊंगा, तो एडजस्टमेंट जगह जगह बीच में साहब वहाँ ब्रेकअप हो गया, फैमिली ब्रेकअप हो गया, मदर फादर से बच्चों का ब्रेकअप हो गया, तो ये क्यों ब्रेकअप हो रहे हैं? या बच्चों का कॉलेज स्कूल में विद्यालय में कॉलेज में मन नहीं लग रहा है, क्यों ब्रेकअप हो रहा है? वहाँ से एजुकेशनल ब्रेकअप हो रहा है, कॉमर्शियल ब्रेकअप हो रहा है, एक बेचारा मजदूर या सेवक बहुत सेवा करता है कंपनी की, कंपनी उससे ब्रेकअप कर लेती है, ये सब ब्रेकअप एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, समायोजन नहीं हो रहा, उसका कारण पीछे मेन कारण यही है कि एक दूसरे के सम्मान नहीं दे पा रहे, उनको समझ नहीं पा रहे, तो समायोजन नहीं हो पा रहा उनमें। एक समायोजन की क्षमता हमें निश्चित करनी चाहिए, किस तरह से हम उसके समायोजन बैठा सकते हैं, तो इसलिए मनोविज्ञान का क्षेत्र वहां पर भी उपयोग किया जा सकता है, शिक्षा जगत में तो है ही। जैसा कि विद्यार्थियों सर ने बताया कि हमें हमारी एबिलिटी और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, जैसा सर ने बताया कि हमें टारगेट फिक्स करना चाहिए जिससे कि हमें अचीव हो सके, ऐसा नहीं कि हम विभिन्न मार्गों पर जाने की सोचें और हमें एक भी मार्ग नहीं मिल पाए। और सर ने यह भी बताया कि जिस प्रकार से अर्जुन का एक ही टारगेट था, उसी प्रकार विद्यार्थियों प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने का एक ही तरीका है कि आप अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए और उसके प्रति आप समर्पित हो जाइए। संघर्ष जीवन में करना है तो क्यों ना आप प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर संघर्ष और तप करके आप अपने उज्जवल भविष्य को बना सकते हैं। जैसे सर ने अपना तजुर्बा बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में सबके लिए अनिवार्य क्यों है, क्योंकि समायोजन की आवश्यकता है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, देश हो, राज्य हो, सबके लिए समायोजन की आवश्यकता है। तो समायोजन को हमें व्यवहारिक रूप में लागू करना चाहिए। हम इस चैनल के माध्यम से जो शिक्षा मनोविज्ञान विषय पढ़ाते हैं, जो रीट सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आदि के लिए काम आता है, उन विद्यार्थियों से ही अपील नहीं बल्कि मेरी सभी विद्यार्थियों से अपील है कि शिक्षा मनोविज्ञान विषय को विषय के रूप में न पढ़ करके और उसको व्यावहारिक रूप में लिया जाए, ताकि समाज में विभिन्न प्रकार की जो विकृतियां हैं जो आज देखने को मिल रही है उनका समायोजन किया जा सके, उनका निराकरण किया जा सके। सर ने अपना बहुत अच्छा अनुभव बताया, राजस्थान विश्वविद्यालय आज सर का बहुत ऋणी है, आभारी है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो ऐसा विषय है जिसको हम हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सर से मैं कहना चाहूँगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अभी वर्तमान में ज़्यादा जो कंपटीशन है, इसके लिए विद्यार्थी क्या करें, किस प्रकार से करें ताकि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें? सर, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और क्योंकि हम लोग उम्र के और तजुर्बे के इस पड़ाव पर हैं कि हर चीज़ अपने तजुर्बे से जोड़ते हैं, नई पीढ़ी सोचती है हमारे ऊपर थोपी जा रही है, नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी आपने जो मैंने आप पहले भी कहा और आपने उस बात का समर्थन किया समायोजन की, हम समायोजन की बात हमने की, हम कई एग्जाम्पल्स हमने दिए और आगे भी देते रहते हैं। वही बात मैं आपको एक और बताता हूँ वाकया कि माई एल्डेस्ट डॉटर, मेरी बड़ी बेटी, हम भी चाहते थे, वो साइंस में अच्छी थी, कि ये भाई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ बने, लेकिन उसकी रुचि रुझान जो इसका इंटरेस्ट था वो कॉमर्स की तरफ था। व्हेन शी वाज ऑन टेंथ एंड तो उसने तय कर लिया कि बोले मेरे को कॉमर्स लेना है। हम कह रहे भाई हमारे परिवार में किसी ने आज तक कॉमर्स नहीं पढ़ाया बेटा, तुम क्यों पढ़ोगे? नहीं ठीक है, क्योंकि मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी रहा और हूँ और रहूँगा, तो मैंने उसकी बात का सम्मान किया, अपने परिवार के सभी सदस्यों को समझाया, मैंने कि नहीं बच्चे की जो रुचि है उसी के अनुसार हमें काम करना है। पढ़ी मैं उसके साथ में, मैंने भी थोड़ी थोड़ी मेहनत की, और
मुझे मान के मतलब मान लीजिए कि उसने ना हमारा वो सम्मान हमें दिलाया, आज तक हम उससे सम्मानित हैं। उसने अपने टारगेट बनाया कि मुझे सीए बनना है, तो हम लोग टारगेट की बात कर रहे हैं ना, तो उसने तय कर लिया कि मुझे सीए बनना है। और हम लोग जब मेरी हमेशा से आदत रही, साल में दो साल में मैं कहीं ना कहीं एक बार फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने निकल जाता हूँ। हम और परिवार के सभी सदस्य कहते बेटा वहाँ चलना है घूमने, बोले नो पापा आप जाओ, मैं यहाँ दादी के साथ हूँ, पर अपने मेरे को सीए बनना है, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं उस बात मैं उसका इस आपके यूट्यूब के मार्फत उसको समर्पित कर रहा हूँ कि उसने डिटर्मिनेशन जो दिखाया और वो कहीं नहीं गई, अपने लक्ष्य की तरफ देखती रही और प्रयास करती रही। मुझे गर्व है कि उसने पहली अटेम्प्ट में ही सीए क्लियर किया, ग्रेजुएशन भी किया और सीए भी क्लियर किया। आज वो सक्सेसफुल सीए है। अभी कुछ दिनों पहले यूएस में कंपनी ने उसको भेजा, वहां से लौट के आई है। तो मेरा ये नहीं कि मेरी बच्ची थी, मैं तो ये कह रहा हूँ उद्देश्य जो उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा था कि सीए बनना है। जब मैंने उसकी शादी की, शादी के बाद मैंने लाओ देखता हूँ उसके अलमीरा साफ करता हूँ, उसमें कुछ मतलब का, तो आई वाज सरप्राइज्ड। वो कागज मैंने मड़वाया ही नहीं है, रखा आज भी वहीं लगा हुआ है। उसकी अलमीरा के अंदर एक कागज पर उसने हाथ से लिख के लिख रखा था मुझे सीए बनना है। जब वो मैंने उसको फोन करके पूछा, मैंने बेटा तूने ये क्यों लिखा था, बोले पापा वो मुझे बार बार याद दिलाता था, आपने कहा था ना, आपने मुझे बचपन में कहानी सुनाई थी कि लक्ष्य अर्जुन की तरह, तो मैंने लक्ष्य अपना टारगेट बना रखा था मुझे सीए बनना है। तो जैसे ही मैं अलमीरा खोलती थी किसी भी चीज के लिए, अपने ड्रेस के लिए, अपने किसी कंगी संगी के लिए, तो मुझे अपना लक्ष्य ध्यान आता था, मैं लक्ष्य से नहीं दिखूं इसलिए मैंने लिख रखा था। वो आज मेरे लिए वो मंत्र है, बना हुआ है, मुझे आज भी अच्छा लगता है उसको पढ़ के। तो मित्रों, लक्ष्य आप निर्धारित करें, निश्चित तय आप क्रैक करेंगे। बहुत सारे उसके पेच हैं, बहुत सारे उसमें परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन उनको सुलभ करने के तरीके भी कई तरीके हैं। अब एक इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सात रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं नहीं याद हो पाता कई बार, जब बचपन में, अब तो याद है। तो हम लोगों ने उस समय फॉर्मूला बना दिया था विबग्योर, VIBGOUR, तो उससे हमें याद रहता कि ये सात रंग ये है। ऐसे ही हम हर एक चीज को अपने अपने हिसाब से बांट लें, है ना। अब मैं एक दिन ऐसे कहीं बात कर रहा था, NCERT में गया था, मीटिंग थी, मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कि भाई अब ये आप अल्फाबेट्स हैं उसको चेंज करें। बोले इससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। बोले कैसे? मैंने देखिए अब अभी हम पढ़ा रहे हैं, हमारे आज भी पुराने देख लें किताबों में का से क्या लिखा होगा, का से कबूतर। मैंने कहा कबूतर ये जब लिखा, जब पढ़ाया जाता था जबकि कबूतर हर मुढ़ेर पर दिखता था, सोते उठते बच्चों को कबूतर दिख जाता था। आज कबूतर देखने के लिए हमको अल्बर्ट हॉल जाना पड़ता है या ये आपके जयपुर डेयरी के पास जाना पड़ता है, क्योंकि कबूतर हर जगह अब हर एक मुढ़ेर पर नहीं दिखते हैं। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा से कंप्यूटर करो उसको, जो कि हर जगह रखे हुए, हर बच्चा कहीं भी टॉफी लेने जाएगा उस शॉप पर उसको कंप्यूटर दिख जाएगा, उसके घर में दिखेगा हर जगह। तो बोले हाँ ये बात तो आपकी सही है भाई, गा से गाय, का से कबूतर, ये सब उस समय की मांग थी। तो ऐसे ही हमें शिक्षा में, शिक्षा मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के नाते हमें बीच बीच में अपने शिक्षा जगत में परिवर्तन करते रहना चाहिए हमें, और विद्यार्थियों को उसके हिसाब से टारगेट बनाना चाहिए। अब मेरे आशय समझ रहे होंगे, टारगेट से मतलब कि मुझे इस चीज को ऐसे याद करना है। मैंने अपने बच्चों को, मैं यूनिवर्सिटी में मेरे को ऊपर का क्वार्टर मिला था, तो स्टेप चढ़ते चढ़ते उनको ABCD पढ़ाई थी। हम नीचे सीढ़ियों से जब ऊपर आते थे खेल खाल के, AP एक एक स्टेप पे चढ़ते चले जाते थे, ऐसे याद करते चले जाते, उसको बच्चों को बुलवाते जाते थे। तो जब टीचर गई बोले तुमको ABCD आती है? बोले हाँ हमको तो स्टेप चढ़ते हुए आती है। बोले उतरते हुए नहीं आती है,
टीचर ने उनसे बच्चों से मजाक किया, बोले उतरते हुए नहीं सिखाया, उतरते हुए तो हमें बताया नहीं कभी, वो गोदी में लेके आए। तो मेरा कहने में हम लोग एक अपना तरीका एक बना लें, स्टाइल किस तरह से हमें याद करना है बच्चे को। वो कहते थे आप कि नहीं आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई आपकी सफलता का उद्देश्य क्या, योगदान रहा, कैसे आप सफल हुए, कहते मैं 14 घंटे पढ़ा, मैं 8 घंटे पढ़ा, मैं 12 घंटे पढ़ा। नहीं ऐसा नहीं है मित्रों, 12 घंटे पढ़ने वाला ही सफल नहीं होता है, 4 घंटे पढ़ने वाला भी सफल होता है, लेकिन वो 4 घंटे का मतलब ध्यान। क्या ऋषि मुनि जो ध्यान लगाते थे उस समय क्या होता था, ध्यान में वो भूल जाते थे आगे पीछे क्या है। वाल्मीकि नाम यूं ही थोड़ी पड़ा उनका, वो इतने ध्यान में मग्न हो गए कि उनके शरीर पर कीड़ियों ने, चींटियों ने अपना अपनी बामियां बना ली, है ना, तो उनका नाम पड़ गया। ऐसे ही बहुत सारे, तो मतलब ये ध्यान एक 4 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे जो पढ़ें अध्ययन करें वो उस समय आस पड़ोस की भूल जाएं, ये नहीं कि साथ में मोबाइल भी देख रहे हैं पढ़ भी रहे हैं, तो वो आप ऐसे 24 घंटे पढ़ लोगे, 12 घंटे की तो बात छोड़ो, तब भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें 2 घंटे पढ़ें, नियमित पढ़ें, निश्चित पढ़ें, और तो हम उद्देश्य को अपने को क्रैक कर सकते हैं, वहां हम पहुंच सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। कछुए की आपने कहानी सुनी है ना, कछुए की और खरगोश की, कछुआ नियमित चलता रहा और उसने अपना गोल प्राप्त कर लिया, जबकि तेज दौड़ने वाला तेज धावक खरगोश सोता ही रह गया। दौड़ा, उसने कहा अभी तो बहुत दूर है, मैं आराम कर लूंगा, तो ऐसे करके वो मात खा गया। तो नियमित, एक तो नियमितता होनी चाहिए, 2 घंटे पढ़े या 3 घंटे पढ़े या 1 घंटे पढ़े, जो भी पढ़े, है ना। और ये नहीं कि जो आज हमने पढ़ाया या हमें क्लास में बताया उसको हम, अरे आज तो कहीं जाना है कल कर लेंगे, नहीं, आज का काम आज ही निपटा के जाए, आज जो पढ़ाया उसको रिपीट कर ले। जो भी कहावतें दी गई हैं उनका कुछ ना कुछ अर्थ है, शब्दार्थ है, और शब्दार्थ बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। एक करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से स्लिपर पड़े निशान। हम जो हमें आज कक्षा में पढ़ाया उसको हमने आके घर में पढ़ा, दूसरे दिन टीचर ने अगर उसी में से प्रश्न किया तो हमारा 3 बार अपने ऑटोमेटिकली चल गया और रिपीट हो गई, तो हमारा अभ्यास हो गया। हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं, अभी तो क्या है, परीक्षा के समय है, परीक्षा के उद्देश्य नहीं, हमें अपने ज्ञान के उद्देश्य से हम पढ़ेंगे तो निश्चित ही हम सफल होंगे। यही हमारी, मैं इस यूट्यूब के माध्यम से आपको सवाल संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद गुरुदेव, सर ने बड़ी ही सहज और सरल भाषा में हमें समझाने की कोशिश की है कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो कुछ भी एफर्ट्स लगाने हैं वो लगाने चाहिए। जैसा कि उन्होंने ज्वलंत उदाहरण दिया कि उन्होंने सीए को सामने अलमारी के अंदर लिख करके और अपने टारगेट को डेली देखा जाता था, इससे ये होता है कि हम टारगेट के प्रति समर्पित हैं। और जैसे सर ने बताया कि नियमितता जरूरी है पढ़ाई के लिए, और नियमित होने से ही हम किसी टारगेट तक पहुंच सकते हैं, हमारे गोल तक पहुंच सकते हैं। और सर ने तो यहाँ तक भी बता दिया विद्यार्थियों कि हमें बार बार और अनवरत अध्ययन जारी रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा आने पर तो हर कोई तैयारी करता है। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझें कि हमें नियमितता जरूरी है। एग्जाम आने से पहले जो तैयारी करते हैं वो शायद सार्थक नहीं कर पाते, अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाते। वही गोल प्राप्त करते हैं जो लगातार और लंबे समय तक अध्ययन करते हैं। अतः इस एम स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सर ने जो संदेश दिया है उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सर ने जो समझाने की कोशिश की है उसके माध्यम से हम हमारे गोल तक पहुँचें। ऐसा सर का जो संदेश है, जो सुभाषीष है, उसको हम स्वीकार करें। हमारे सभी के प्रेरणादायी प्रोफेसर साहब का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतना अपना अमूल्य समय दे करके और विद्यार्थियों को बड़ी सहज और सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। हम सभी आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।